खबर श्री गंगानगर के राय सिंह नगर से है, जहां राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं श्री गंगानगर लोकसभा भाजपा के प्रभारी सुमित गोदरा ने रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव प्रबंधन व कोर कमेटी के पदाधिकारी से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। श्री गंगानगर से ब्यूरो चीफ मंजीत सिंह की रिपोर्ट। देखो, श्री गंगानगर लोकसभा के जो 8 विधानसभा हैं उनमें जो प्रबंधन समितियां कोर कमेटियां बनी उनकी बैठक लेने आज आए हैं। आज 4 विधानसभाओं की बैठक ली है, दो ले रहे हैं जिसमें 2 के लिए चुके हैं, सूरतगढ़ और आईसी नगर, इसके बाद करणपुर की पदमपुर में और फिर गंगानगर जिले की गंगानगर में 4 बैठकों का आज आयोजन किया जा रहा है। और यही कि कार्यकर्ताओं में जो हमें पार्टी ने जिम्मेवारी दी है प्रबंधन की, उसको कार्यकर्ता किस तरह निर्माण करें और पार्टी को जो अब सिर्फ एक तरह से राजस्थान में लगभग 70-80 दिन का चुनाव का राय समय, तो उसमें कार्यकर्ता को एक एनर्जेटिक फील करके गांव-गांव ढाणी ढाणी तक जाके जो लाभार्थियों की योजना उसका भी प्रचार प्रसार करे और पार्टी को जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो आगे विकास में विकसित भारत की ओर भारत आगे बढ़ रहा है उन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो।